अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन मोहतरम, हमने पिछली चंद वीडियोस में ड्रामा अरतुल गाजी में किरदार निभाने वाली चंद एक्ट्रेस का जिक्र किया था और आज की जेर नज़र वीडियो में हम फिर अरतुल गाजी में हैमा खातून का किरदार निभाने वाली उस औरत के बारे में बताएंगे। ये असल में हैं कौन, इनका लाइफ स्टाइल क्या है और इनके साथ चंद ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात से आपको आगाह कर दें, हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ उस अदाकारा के मुतालिक बताना है, ना कि कुछ और। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अरतुल गाजी सीरियल में हैमा खातून का किरदार निभाने वाली इस अदाकारा का असल नाम हालिया दरजान है, जो 27 अप्रैल 1951 में तुर्की के शहर अजमेर में पैदा हुई और इन्होंने करतास अनातोलियन हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया। अगर बात करें इनके कैरियर की तो इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 16 साल की उम्र में साउंड मैगजीन में स्टार कॉन्टेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया और तीसरी पोजीशन हासिल की और यही कॉन्टेस्ट इन्हें फिल्मी दुनिया में लेकर आगे आया। 2003 में इन्होंने बाबा टीवी सीरीज़ में अपनी शानदार एक्टिंग का मुजाहरा किया और इनकी मशहूर ज़माना टीवी सीरीज़ और फिल्मों में इन्होंने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। फिर इनको 2013 में अरतुल गाजी में हैमा खातून के किरदार के लिए ऑफ़र हुई, जिसको उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया और 2014 में इन्होंने अरतुल गाजी में हैमा खातून का किरदार अदा किया। उन्हें सबसे ज़्यादा मकबूलियत ड्रामा अरतुल गाजी में एक बापर्दा किरदार निभाने से हासिल हुई और अब तुर्की की मशहूर एक्ट्रेस में शुमार की जाती हैं। बात करते हैं इनके मैरिजल स्टेटस की। इन्होंने 1970 में 19 साल की उम्र में शादी की और इनकी दो बेटियां भी हैं। हालिया दरजान अपनी जवानी के दिनों में बहुत ज़्यादा बोल्ड और मॉडर्न हुआ करती थी। वो ज़िंदगी के बारे में आज भी उतनी पुरजोश हैं जितनी अपनी जवानी में हुआ करती थी। उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका वेट 71 किलोग्राम है। इनकी आंखों का कलर हेज़ल है जबकि इनके हेयर का कलर डार्क ब्राउन है और इस वक्त उनकी एज 69 साल है। उन्हें सिंगिंग, कुकिंग और बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है और ये अपना वक्त पुरसकून जगह पर गुजारना पसंद करती हैं। नाज़रीन, आपको हालिया दरजान के बारे में जानकर कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।